أعوذ, أعوذ, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

जारी सारी है अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान करीम के पहले पारे और बकारा की तफसीर कर रहे हैं और इससे पहले के प्रोग्राम्स में छत्तीस आयात की तफसीर मुकम्मल हो चुकी है और ये सूरह बक़ारा के चौथे रुकू का इख्तिताम और एंड चल रहा है आप जानते हैं कि इसमें हज़रत आदम सलाम का वाक़ बयान किया गया और जिसमें ज़िक्र किया गया कि हज़रत आदम सलाम से भूल हुई और अल्लाह पाक ने उन्हें जन्नत से ज़मीन की तरफ़ उतारा अब यहाँ पर आयत नंबर सैंतीस है जो आपके सामने तिलावत की गई पहले तो आयत नंबर सैंतीस का मैं तर्जुमा आपके सामने आसान अल्फाज में पेश करता हूँ फिर हम इस पर मुख्तसरन बात करेंगे अल्लाह पाक ने इशाद फरमाया कि फ़तल का तो सीख लिए आदमु हज़रत आदम ने मुर रब ही अपने रब की जानब से कलीमातिन कुछ कलिमात फताबा फताली तो अल्लाह ने हज़रत आदम की तोबा को फरमाया। कबूल फ़रमाया इन बेशक वो अ बहुत तोबा कबूल फ़रमाने वाला अर्रहीम और बहुत रहम फरमाने वाला है आयत नंबर सैंतीस के आगाज़ में अल्लाह पाक ने फरमाया कि हज़रत आदम ने अपने रब की जानब से कुछ कलेमात सीख लिए अल्लाह पाक ख़ुद उन्हें सिखा रहा है कि आपने कुछ कलेमात मेरी बारगाह में तोबा के तौर पर पढ़ने हैं वो कलेमात क्या हैं ख़ुद कुरान करीब में आराफ में बड़ी वजाहत के साथ अल्लाह पाक ने अल्फाज को बयान फरमाया है वो अल्फाज दुआियाँ हैं और हज़रत आदम और हज़रत ह्व्सम उन कलेमात को अदा कर रहे हैं और कहते हैं क़ाला रब्बना कला रबना वलमनाफ़सना विलम तोफिरना व तहमना़ास वो कहने लगे कि हमारे रब हमने अपनी जानों पर ज़ुल्म किया और अगर आप मगफिरत न करें हमारी और हम पे रहम न फरमाएं तो यकीनन हम खसारे वालों में से हो जाएंगे ये कलिमात कितने प्यारे हैं इसमें कोई बहाना नहीं है इसमें कोई हीलो हुज्जत नहीं है इसमें कोई भी जो है वो रब की बारगाह में रब के मुकाबिल आने का जज्बा नहीं है बल्कि शुरू ही यहाँ से किया ए हमारे प्यारे रब हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है यानी इकरार कर लेना मान लेना कि मुझसे गलती हो गई मान लेना कि मैंने अपनी जान पे जुल्म कर लिया ये अल्लाह की बारगाह में तोबा का अंदाज़ होना चाहिए हज़रत आदम सलाम के जरिए उनकी औलाद को भी सिखाया जा रहा है और यह भी हकीकत बयान कर दी कि सारी कु्वत ताकत अल्लाह ही के हाथ में है अगर वो चाहे तो बख्शे और अगर ना चाहे तो ना बख्शे तो जिसे बख्श देता है वो कुर्ब पाने वालों में से हो जाता है और जिसे ना बख्शे वो ख़सारे वालों में से हो जाता है वही है जो रहम करता है अगर वो रहम फरमाए तो बंदे की बात बन जाती है संवर जाती है और अगर वो रहम ना फरमाए तो बंदा खसारे वालों में से हो जाता है तो देखें दो चीज़ें आ गई इन कलेम में एक तो एतराफ़ इकरार और दूसरी जानब खुदा की ताकत का इजहार ये दो चीज़ें ही बंदे की जो है वो हकीकत हैं यानी उसके फहम की हकीकत हैं कि वो ये चीज़ समझ जाए और इस चीज़ का इकरार कर लेना तो फिर बाकी सारी चीज़ें बंदे के लिए आसान हो जाती हैं तो जब इन अल्फाज के साथ इस इकरार के साथ और अबूदीत के इजहार के साथ और इस आजज़ी के साथ और इस इनकसारी के साथ ये कलेमात उन्होंने रब की बारगाह में पेश किए हैं तो रब कायनात ने फ़ौर ही कोई तख़िर नहीं है इसमें फ़ताब अलई अपने बंदा अपने बंदे की तोबा को रब कायनात फरमाता है कि रब कायनात ने कबूल फ़रमा लिया हज़रत आदम सलाम की तोबा कबूल हो गई यहाँ से हमें ये बात समझ में आ गई कि हज़रत आदम सलाम का ये किरदार है जो इस आयत नंबर सैंतीस में हमारे सामने रख दिया गया और इससे पहले जो आयत गुजरी हैं उसमें शैतान का किरदार सामने रख दिया गया है शैतान का किरदार क्या था अनखैर उम्मन कि मैं जो है वो आदम से बेहतर हूं यानी वो सामने अकड़ दिखा रहा है तो वो किरदार है शैतान का और हजरत आदम क्या कर रहे हैं आजजी दिखा रहे हैं ये किरदार है किसका हजरत आदम का तो आदमीत को जेबा है आजजी आदमीत को आदमी और इंसान को ज़ेबा है इनकिसारी और झुक जाना अपने रब की बारगाह में और जो आदमी और इंसान इस सिफत से मुतसफ़ होता है तो वही हकीकत में हज़रत आदम सलाम की औलाद से और हज़रत आदम सलाम की जो का जो फ़ैज़ान है वो उससे मुस्तफ़ीज़ हो सकता है और अगर वो ऐसा नहीं करता तो यकीनन वो अपने आप को उस गिरोह में शामिल कर लेता है जिस गिरोह का सरगना और बड़ा शैतान है जिसने अकड़ की और जो जो है वो तकबर में मुबतला हुआ और ये दोनों किरदार अल्लाह पाक ने अपने बंदों के सामने रख कर उनके जहनों को अपील की है उनकी फ़िक्रों को मुतवज़ किया है और उनको मुहासबे की दावत दी है कि वो ज़िंदगी में किस मकाम पर खड़े हुए हैं क्या जब उनसे ग़लती हो जाती है तो क्या वो अपनी ग़लती के बाद नतीजे के तौर पर उसके रद्द अमल में क्या शैतान से अपने आप को मिलाते हैं या फिर अगर उनसे जब भूल हो जाती है तो वो अपने वालिद हज़रत आद सलाम की सुन्नत को कायम करते हुए अपनी गलती पर या अपनी भूल पर जमते नहीं हैं बल्कि फौरन अपने रब की बारगाह में झुक जाते हैं और इन पाकिजा कलेम के साथ इन अच्छे अच्छे कलेमात के साथ अपने रब की बारगाह में पहुंच जाते हैं और फिर इसमें दिलचस्प बात यह है कि एक तोबा का यहां से हमारे सामने आ जाता है तोबा यानी इंसान अपने रब की बारगाह में जो है वो बेकरार हो जाए अपनी किसी भूल पर ये इंसान की फ़ितरत है कि जब इंसान कोई ग़लती कर बैठता है या जब वो कोई भूल कर बैठता है या उससे कोई गुनाह सरजद हो जाता है या वो अपने रब की नाफ़रमानी कर बैठता है तो उसमें एक बेकरारी पैदा होती है उसकी तबीयत की वो जो बेकरारी है वो जो बेचैनी है और वो पलटना है अपने रब की तरफ इस कैफियत का नाम असल में तोबा है इस कैफियत का नाम तोबा है ये कैफियत बाज लोग मश कर देते हैं एक गुना किया तो अपने रब की तरफ नहीं पलटे दूसरा गुना किया हती के गुनाहों के आदि हो गए वह जो उनका नफ्स लवामा है वो फिर उनको मलामत नहीं करता है और एक मक़ाम ऐसा आ जाता है गुनाह होते रहते हैं तोबा का नामो निशान नहीं होता मगर दूसरी तरफ वो इंसान जो अपनी फ़ितरत को सलामत रखता है अगर उससे कोई गुना सरजद हो जाए तो उसकी जो बेचैनी है ना वो बढ़ जाती है अलाा इकबाल ने अपने अन्फ़ुन शवाब शबाब में जवानी की इब्तदा में ही एक शेर कहा था जिस पर जो है वो उनके इस भी झूम उठे थे उन्होंने कहा था कि मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे इर्क़ इन के कहा वो जो तोबा की कैफियत मुझ पर तारी होती है ना एहसास नदामत पैदा होता है तो उस एहसास नदामत की वजह से मेरी पेशानी पे चंद पसीने के कतरे नमोदार होते हैं और मेरे मेरे रब को वो कतरे इतने पसंद हैं मेरे उस एहसास के कि शान करीमी जो है उन कतरों को मोती की तरह चुन लेती है तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक इंसान में जो है वो ये कैफियत बरकरार रहे और ये एहसास एहसास नदामत उसके अंदर बेदार रहे और वो फौरन जो है ना पलटने की कोशिश करे अपने रब की तरफ ये बहुत बड़ी कैफ़ियत है और ये बहुत बड़ी इंसान की फ़ितरत का एक हिस्सा है इसको हमेशा सलामत रहना चाहिए और यही हज़रत आदम सलाम की यहाँ सुन्नत बता दी गई है और जो इंसान इससे दूर हो जाता है जिसको क़ुर करीम ने यूँ भी ताबीर किया कि वलम युसर रू आला माँ फ वहम या के गुना होने के बाद वो इसरार नहीं करते गुनाह पर जोर ज़बरदस्ती नहीं करते उसका तकरार नहीं करते उस पर जमे नहीं रहते ये नेक लोगों की सिफत है कि इसरार नहीं है वलम युसिर्रु सरु अलामा फालू बल्कि वो फौरन पलट आते हैं जो तोबा की कैफ़ियत और तौबा का माना है कि अपने रब की तरफ पलट आना और अपने रब की तरफ रुजू करना और फिर फरमाया कि फताब अल्लाह पाक ने उनकी तोबा को कबूल फरमाया तो ये जो तोबा है जो अल्लाह पाक अपने बंदे की तोबा कबूल फरमाता है वो हमेशा अपने बंदा बंदे की तोबा का इंतज़ार करता है अपने बंदे को मौा देता है अपने बंदों को ढील देता है और खुद हदीस में आपने, आपने बारहा यह हदीस सुनी होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी आदम खताउन के हर बनी आदम से खता हो जाती है व वीनाबून और बेहतरीन खता करने वाले वो हैं जो तोबा कर लेते तो गुना हो जाना ये इंसान के इरादे की कमजोरी होती है इंसान से भूल चुक हो जाती है ये हो जाता है मगर आ, जो अपने रब की तरफ पलटना है ना वो इंसान का बरकरार रहना चाहिए और इंसान को फ़ौर अपने मौला की तरफ़ पलट जाना चाहिए और फिर यहाँ पर एक मुख्तसर सा नुक़ँ ये भी आपके सामने शायद के ज़िमन में रखना चाहूँगा कि देखें कि ग़लती गलती होती है मगर उसके पीछे जज्बे दो होते हैं एक जज्बा ये होता है कि इंसान इरादे की कमज़ोरी की वजह से या किसी के फ़ितने में डालने की वजह से ये किसी के बहकाने की वजह से जैसे हज़रत आदम सलाम के साथ शैतान ने किया उससे भूल हो जाती है उससे गलती हो जाती है तो एक ये पीछे जज्बा होता है सबब होता है और एक गुनाह के पीछे जो जज्बा होता है ना वो हसद का होता है वो तकबुर का होता है जो शैतान के साथ मामला था हमारी अमली ज़िंदगी के अंदर भी ये चीज़ तय होनी चाहिए कि आप देखेंगे अपने इर्द गिर्द के वो लोग के दिन से इरादे की कमज़ोरी की वजह से किसी के बहकाने की वजह से कोई बहकावे में आ गया और उससे ग़लती हो गई ना तो उसको फिर तोबा की तोफ़ीक भी मिल जाती वो पलट भी आता है अपने रब की तरफ लेकिन एक बंदा वो होता है जिसके ग़लतियों के पीछे हसद होता है जिसकी गलतियों के पीछे तकबर होता है ऐसे बंदों को उमूमन तोबा की तोफीक भी नहीं मिलती आप उसकी एक मिसाल शैतान को देख लें हसद और तकबर पीछे था नहीं तोबा कर सका तो हसद और तकबुर जो है यह इंसान को अपने आप से हमेशा दूर रखना चाहिए यह शैतानी सिफात में से है और आजजी और इंकसारी जो है वो अपने रब की तरफ पलटने का नाम है फिर फरमाया कि इन नवाबुर वो तवाब और रहीम है तवाब बंदे की भी सिफत है अल्लाह की भी सिफत है क़ुर करीम में दोनों के लिए इन तवाबीन क्योंकि इसके माना है पलटना बंदा पलटता है गुनाहों से नेकी की तरफ और अल्लाह अपने बंदे से नज़र फेर चुका होता है तो जब बंदा तोबा के ज़रिए पलटता है ना तो रब रहत के जरिए अपने बंदे की तरफ पलटता है तो बंदा भी तोब है और रब भी है। अलबत्ता जब तोबा का लफ्ज बंदे के लिए आता है कुरान में तो इसके बाद इला आता है इन्नी तुब्तु इलेक। और जब अल्लाह के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल हो तो इसके बाद तोबा के बाद अला का लफ्ज आता है फता जैसे यहां इस्तेमाल हुआ तो बंदा भी तोब है यानी पलट के आता है अपने रब की तरफ और रब भी तवाब है जो अपने बंदे की तरफ रहमत के साथ पलट कर आता है और बहुत रहम फरमाने वाला है इस आयत की तफसीर मुकम्मल हुई अब हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे तो हम अगली आयत की तिलावत और अगली आयत की तशरीह की तरफ और तफसीर की तरफ बढ़ेंगे بسم الله الرحمن الرحيم قلنا بطوم

In. In, In शामदेद नाजरिन वसामी पिछले सेगमेंट में हमने जो है वो सूर्य बकरा की आयत नंबर सैंतीस पर बात की है और इस सेगमेंट में आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह क़ारी साहब ने आयत नंबर अड़तीस और उनतालीस की तिलावत की है सूरतुलबारा की उसी पैटर्न पर हम जो है वो आयत नंबर अड़तीस और उनतालीस का पहले तर्जुमा देख लेते हैं फिर उसके बाद जो है वह हम इसके मुख्तलिफ हिस्सों पर मुख्तसरन बात करेंगे अल्लाह पाक ने अर्शात फरमाया कि कुल ना हमने फ़रमाया एह बेतु मिनह जमिया कि तुम सब जन्नत से उतर जाओ फ इमा यतीन नकुम मन्नी हदन फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ़ से कोई हिदायत आई फमन तबिया हुदाया तो जिसने मेरी उस हिदायत की पैरवी की फ़ला ख़ौ फन अलई हिम वला हुम तो ना ही उन पर कोई डर होगा और ना ही वो गमगीन होंगे व लज़ीना कफ़रू और जिन लोगों ने कुफ्र किया व कबूब और हमारी आयतों का इनकार किया उलाब्नार हाँ यही लोग दो जख़ी हैं हम फ़ीहा ख़ालदूँ वो हमेशा इस दो जख में रहेंगे हज़रत आदम सलाम की तोबा का इससे पहले आयत में ज़िक्र हुआ था और आयत नंबर अड़तीस के आगाज़ में अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने ये फ़रमाया कि आप जन्नत से उतर जाएँ एह बेतु तो। हबूत के माना होते हैं उतर जाना इस रुकू में इससे पहले भी एक मरतबा ये आ चुका है कि हमने कहा कि आप जो है वो ज़मीन की तरफ उतर जाएँ और यहाँ पर दोबारा ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ एह कि आप जो है वो जन्नत से उतर जाएं अच्छा पहले जो एह का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था वो उस भूल का एक लाजमी नतीजा था जो बताया गया कि अब यह भूल हो गई है तो अब आपको ज़मीन की तरफ उतरना पड़ेगा दोबारा जो एह बितू का लफ्ज़ आया कि अब यहाँ दोबारा फ़रमाया गया कि आप जन्नत से जो है वो सारे उतर जाए तो अब इसका माना ये है कि वो इम्तिहान ज़िक्र करना मकसूद है कि जिस इम्तिहान के लिए जो है वो हम आपको उतार रहे हैं वो इम्तिहान जो है इस आयत करीमा में बयान किया गया सामेन आप यहाँ पर यह भी अंदाज़ा लगाएँ के जन्नत में हज़रत आदम रह रहे हैं और भूल होती है तो उन्हें ज़मीन की तरफ उतारा जाता है एक बात तो यहाँ पर बड़ी वाजे हमें समझ में आई कि दुनिया में बाज लोग ये कहते हैं कि जी आप तो किसी ख्याली जन्नत की बात करते हैं पता नहीं वो होगी भी या नहीं होगी ये शक में पढ़ने वालों और कुफर करने वालों की बातें हैं लेकिन ईमान वालों का सबक आप देखें कितना मजबूत है उन्हें ये बताया जा रहा है कि ये जन्नत कोई ख्याली जन्नत नहीं है यहाँ तुम्हारे वालिद रह कर आए वो यहाँ रहते रहे हैं रहने के बाद वो ज़मीन की तरफ उतरे और ज़मीन की तरफ़ आना ये रब कायन के एक उस मनसूबे का हिस्सा है प्लान का हिस्सा है और उस तरतीब का एक तरकीब का हिस्सा है ज़ाहिर कि आप जानते हैं कि जब फ़रिश्तों में खिलक़त आदम का ऐलान हुआ था तो ये फ़रमाया गया था कि इन अर्द खलीफ़ा कि मैं ज़मीन में ख़लीफ़ा बनाने वाला हूँ तो उस वक़्त ज़मीन में ख़लीफ़ा बनाने से पहले ज़मीन पर पहुँचने से पहले के जो मराहिल हैं जो सबब बने फिर ज़मीन पर आने के वो सब अल्लाह पाक ने बयान फरमा दिए इससे पहले कि क्या क्या हज़रत आदमी सलाम को हासिल हुआ सारे मराहिल बताए बंदे की हिदायत के लिए सारे मराहिल बताए बंदे को सिखाने के लिए कि क्या क्या मुश्किलें पेश आ सकती हैं इस ज़मीन पर रह कर उसका एक हिस्सा जो है वो हमें सब कुछ यहाँ बता दिया गया अच्छा ये जो हबूत है यानी ज़मीन की तरफ उतरना अब यहाँ पर ये जहन में सवाल आता है कि हज़रत आदम सलाम ज़मीन के किस हिस्से की तरफ उतरे हैं जाहिर है कि कुरान करीब जगहों को मुतिन नहीं करता है उमूमन बयान में तो यहाँ कोई जगह का नाम तो नहीं लिया गया है और अहादी से तयबा की तरफ अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो मुख्तलिफ मुख्तिस के राम के अकवाल आसार में जो सहीहुल सहीस्नाद हैं उसमें हमें ये बात मिलती है कि हज़रत आदम सलाम जो है वो सरज़मी हिंद की तरफ उतारे गए जैसे कि हज़रत इबन अब्बास रदी अल्लाह तन ने ये इर्शाद फरमाया है और रूहुल मानी में ये बात जिक्र की गई कि हज़रत आदम जो हैं वो सरज़मी हिंद पर सरंदीप के मकाम पे जौज नामी एक पहाड़ था उस पहाड़ पर हज़रत आदम सलाम उतरे हैं अब वो हिंदुस्तान में वो हिस्सा श्रीलंका में आ गया है वो जो पहाड़ है जहाँ हज़रत आदम उतरे हैं उत है। और जो हज़रत हव्वा हैं वो जद्दा के मकाम पे जो है वो मौजूद थी और फिर जो है वो हज़रत आदम वहाँ गए और वहाँ जद्दा के मकाम पे करीब अरफात में जो है वो उनकी मुलाकात हुई पहचान हुई ये रिवायात के अंदर मौजूद है और इसका रद्द नहीं किया जा सकता या इसकी तकजीब नहीं की जा सकती क्योंकि ये आसार सहाबा में मौजूद है हिंदुस्तान की जगह भी मुतिन की गई है सहबा कराम के ज़रिए जिसमें इबन उमर भी हैं जिनका कौल मौजूद है।, है, है और पहाड़ का नाम भी मौजूद है कि हमने कहा कि आप जमीन की तरफ उतर जाए इकबाल ने अपनी नजम में इसका बड़ा खूबसूरत एक नक्शा खींचा है कि किस तरीके से हजरत आजम जन्नत से चले होंगे और फरिश्तों ने उनको रुखसत किया होगा और फरिश्तों ने जिन अल्फाज में उनको रुसत किया होगा वो नक्शा भी अल्लामा ने खींचा है जिसका ख़ुलासा ये है कि फ़रिश्तों ने कहा होगा कि तुम एक बुलंद मकाम की तरफ जा रहे हो जहाँ पर जो है वो ज़ाहिर है कि आपको रब की तरफ़ से एक इम्तिहान के मरहले से गुज़रना है आजमाइश के मरहल से गुज़रना है हम जहाँ रह रहे हैं यहाँ तो सुकून है कि आजमाइश नहीं तो यहाँ रहना आसान है ए आदम आप कितने बाकमाल हैं ए आदम आप कितने सरबुलंद हैं ए आदम आप कितने नवाजे गए हैं ए आदम आपको कितना बासलाहियत बनाया गया है आपको कितना बा कमाल बनाया गया है कि रब आपको आजमाइश के लिए लेकर जा रहा है और आप उस आजमाइश पर पूरा उतरेंगे और उस आजमाइश पर पूरा उतरने वाले आप ख़ुद आपकी जोजा और आपकी औलाद में से जो जो होंगे आप उन्हें लेकर वापस इस जन्नत में आएंगे ए आदम आपकी क्या बात है तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि हज़रत आदम जन्नत से उतर रहे हैं मगर हकीकत ये है कि जब वो जन्नत से उतरे थे तो दो थे और जब जन्नत में पलट के जाएंगे अल्लाह अकबर नबीयों का सिद्दीकीन का शुहदा का सालहीन का अपनी नेक औलादों का एक काफिला के जन्नत में जाएंगे वो क्या मंजर होगा कि जब वो दोबारा उस जन्नत में पहुँच रहे होंगे तो हज़रत आदम साम का ज़मीन पर आ जाना हज़रत आदम सलाम का ज़मीन पर आना ये कोई अल्लाह की नाराजी नहीं है बल्कि ये एक पहले से मुकर शुदा मामला है कि इस ज़मीन पर ही इंसान को आना है आजमाइश का हिस्सा बनना फिर फरमाया कि फ़इम्मा यह अतियन नुमन्नी हदन अगर आ जाए तुम्हारे पास मेरी तरफ़ से कोई हिदायत ये वो हिदायत है वही वही ये इलाही जिसका जिक्र क़ुरान करीम में सबसे पहली मरतबा आ गया है बंदू को बता दिया गया है वो ज़मीन पर आ गए हैं तनहा नहीं आए पीछे हिदायत भी आ रही है क्योंकि शैतान एक दफ़ा बहका चुका है अब शैतान का सद्देबाप करने के लिए जो कहता है मैं बहकाऊँगा तो अल्लाह कहता है कि शैतान अपना काम करता रहे मेरे बंदों मेरी तरफ़ से हिदायत आएगी तुम्हें ख़ुदसाख्ता किसी हिदायत पे अमल नहीं करना किसी बंदे की हिदायत पे अमल नहीं करना बल्कि नुमाइंदा भी मेरा आएगा हिदायत मेरी लेकर आएगा मैं कभी किताबें नाजिल करूँगा कभी नाजिल जो है वो नबी नाजिल फ़रमाऊँगा हिदायत हिदायत जो हम हर नमाज में मांगते हैं इन्ह दिन से हमें सीधे रस्ते पर चला तो वो हिदायत कौन नाजिल करता है वो वही के ज़रिए नाजिल होती है वो खुद रब्बुलमीन नाजिल फरमाता है और हमारी ज़िंदगी में उस नमत की सबसे ज़्यादा अहमियत है अगर वो हिदायत है तो फिर आपका माल नमत बन जाता है आपकी औलाद नमत बन जाती है क्योंकि उसके साथ हिदायत होती है उसका सही इस्तेमाल होता है और अगर हिदायत की नेमत किसी से ले लें तो फिर माल भी आजमाइश और दुश्मन बन जाता है औलाद भी दुश्मन बन जाती है दुनिया की हर नेमत दुश्मन बन जाती ये खुदा की हिदायत इंसान के लिए इतन आज के मौजूदा दौर में आप देख लें लोग कहते हैं हमें अपनी अक़ल काफ़ी है अपने तजर्बे काफ़ी हैं हमारी जो ईजाद हैं वो हमें काफ़ी हैं हमें किसी कुरान की ज़रूरत नहीं किसी वही की ज़रूरत नहीं ये बंदे देख लें ये आज कुरान की बात नहीं है ये तोराद की बात नहीं है ये जब हज़रत आदम ज़मीन पर उतरे थे तो अल्लाह पाक ने फरमाया था फ़ इतियुम्नी हदन कि मेरी तरफ़ से जब हिदायत आए तो जिसने मेरी हिदायत पे अमल किया उस पर कोई खौफ और गम नहीं होगा ये खौफ और गम ना होना ये ज़न्नत की एक सिफत है जहाँ कोई टेंशन नहीं कोई खौफ़ नहीं ना माजी का खौफ ना मुस्तकबिल का कोई गम ये अल्लाह पाक किसको हिदायत कर देता है ये जन्नत किसको नवाजता है ये बेखौफ़ी और अमन ये किसको अता करता है जो उस रब की वही पर आने वाली हिदायत पर अमल करता है फिर आखिरी आयत में फरमाया कि जो कुफर करते हैं हमारी आयतों को झुठलाते हैं आयात जो है ये आयतु उनकी जमा है इसके माना है निशानियाँ कुर करीम में आयात का जो लफ्ज़ है निशानी का ये आफाक के लिए भी इस्तेमाल हुआ है आसमानों ज़मीनों की जितनी निशानियाँ अल्लाह ने बनाई वो भी आयात हैं नंबर दो मोजात के लिए भी इस्तेमाल हुआ है एक नबी जो मोजा दिखाता है ना अपनी कौम को वो चैलेंज भी होता है और एक निशानी भी होती है उसके रब की जानब से और आयात का तीसरा जो है कुरान करीब में वो खुद अरबी के ये जुमले हैं जो मिलकर एक रुकू बनाते हैं एक सूरत बनाते हैं इनको भी आयात कहते हैं तो इससे पता चला ये सारा आलम आयात है नबियों के मोजे आयात हैं वलियों की करामात आयात हैं और इसके साथ साथ कुरान का एक-एक पैराग्राफ आयत है कुरान की एक एक लाइन आयत है एक एक लाइन चूमने और पढ़ने और उससे हिदायत हासिल करने की जरूरत है क्यों अल्लाह ने उसको अपनी निशानी बना के नाजिल किया है उसको हम कहते ही आयत हैं अल्लाह की निशानी तो अल्लाह की निशानियों से जुड़ना है हजरत आदम जमीन पर तशरीफ लाए तो निशानी लेकर आए रब की हिदायत लेकर आए उस निशानी से जुड़ना है उस तसलसल में आखिर आखिरी नबी और आखिरी किताब हज़रत महम्मद मुस्तफ़ा सल्ला और क़ुरान करीम वो आयात की सूरत में हमारे सामने मौजूद है तो इसलिए फरमाया वल्ल कफ़रु हाँ जो काफिर हो जाते हैं उस हिदायत के मुनकर हो जाते हैं जिन्होंने हिदायत की पैरवी की वो तो चले गए बेखौफ होके जन्नत के रस्ते पर जिन्होंने कुफ़र किया मैं नहीं किसी हिदायत को मानता मेरे लिए अपनी अकल काफ़ी है मेरे लिए अपनी सोच काफ़ी है तो फरमाया उ का साहब्नार ये जहन्नमी है फी हा खालिदून और हमेशा उस जहन्नम में रहेंगे ये आयत नंबर अड़तीस और उनतालीस की तफसीर मुकम्मल हो गई और आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसका भी अल्हम्दुलिल्लाह अलहमदिल्ला ब़ैर ख़ूबी इख्तिताम हो गया है अगले प्रोग्राम में इनशा हम हाज़िर होंगे शुरह बकरा के पाँचवें रुकू के आगाज़ के साथ और यही तफसीर का अंदाज़ होगा इनशा और आप इसी तरह क़ुरआन की मोहब्बत इसकी तालीम और इसके ोक़ो शोक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो वमा आलैनामुबीन